ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार महिला बॉक्सिंग का आगाज हुआ है और भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पिंकी रानी, जिन्होंने इस गेम्स में कांस्य पदक जीता है। आइए बात करते हैं उनसे, उनके अनुभव के ऊपर। पिंकी, पहली बार इस कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला बॉक्सिंग शुरू हुआ और आपका अपना प्रदर्शन और भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम का प्रदर्शन आपको कैसा लगता है? बहुत गर्व की बात है कि इस बार वीमेन बॉक्सिंग इंक्लूड हुई है पहली बार और हमें खेलने को मिला और 3 वेट कैटेगरी में से हमने 2 में मेडल जीता, 1 सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो इस हिसाब से वीमेन बॉक्सिंग का बहुत काफ़ी अच्छा यहाँ पर शुरुआत रही है और इन गेम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और अब नेक्स्ट आने वाले एशियन गेम्स की भी तैयारियाँ चल रही हैं। कहते हैं बॉक्सिंग एक टफ स्पोर्ट बोला जाता है, तो कहीं पे प्रेशर रहता है कि एक महिला होने का, कि एक लड़की होने का, कि शायद ये टफ स्पोर्ट शायद मेरे लिए नहीं, फैमिली से प्रेशर कभी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और जो लोग ये समझते हैं कि टफ गेम है, और बल्कि ये महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा सेल्फ डिफेंस का गेम रहेगा क्योंकि आज के समाज में जैसे है तो उन्हें आना चाहिए ऐसा ऐसा गेम, मतलब उन्हें खेलने चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मुझे प्राउड है कि मैं एक बॉक्सर हूँ और इंडिया के लिए खेलती हूँ। जी, आप बस गेम्स में आइए, एक जैसे कहते हैं ना, एक रेपुटेशन के ऊपर आपने जो ट्रायल्स हैं उसमें आपने भारत की जो सबसे नामचीन बॉक्सर है मैरी कॉम को हरा के आप आए, तो प्रेशर था आपके ऊपर कि आपको मेडल लाना ही है? जैसे कि ट्रायल्स मेरी मैरी कॉम के साथ हुई और मैंने ट्रायल जीता और सिलेक्शन लिया, बट वो एक महान बॉक्सर रही हैं हमारी और अच्छा लगता है हमारे इंडिया में ही मुझे इतने अच्छे पार्टनर्स मिले हैं, इतने अच्छे मेरे स्पारिंग पार्टनर हैं जिससे मेरे को भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है। और उनके बाद ट्रायल्स के बाद सिलेक्शन मिलने के बाद एक प्रेशर आप कह सकते हैं, बट मैं उसे कॉन्फिडेंस मानती हूँ कि इतने अच्छे बॉक्सर को मैं हरा के आगे जा रही हूँ, उनसे इतनी टेक्निक सीख के जा रही हूँ, तो इसे बाहर में भी मैं बेहतर प्रदर्शन कर पाऊंगी, ये सब मेरे लिए मोटिवेशन था सब। जैसे आप कहते हैं इसमें ये जो गेम है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, आपको लगता है कि कहीं जो मेंस बॉक्सिंग है उसके बराबर आने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, और को लगता है कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि करनी की ज़रूरत है इस गेम को बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल, मेंस गेम का अब की बार हमें टूर्नामेंट देखने को मिला साथ में हुए तो, और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस बॉक्सर्स हमारे साथ थे, विजेंद्र जी हमारे साथ थे, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि किस तरह हम अपने गेम को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनके लेवल में आने के लिए कितना हार्डवर्क और कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये गेम्स मेरे लिए बहुत अच्छे रहे जिससे इतना कुछ सीख के जा रही हूँ, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स से मैं मिली, सुशील कुमार, इनसे सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि लाइफ में हार्डवर्क कैसे करते हैं और इतने अच्छे मुकाम पर कैसे पहुंच सकते हो, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। फैमिली से बात हुई क्या उनका, उनकी क्या बात हुई आपसे? जी बिल्कुल, फैमिली वाले एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इतना अच्छा वेलकम किया, और ये सब वेलकम होना या देशवासियों का इतना प्यार मिलना हमें नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के लिए भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है कि इतने लोग हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम उनके लिए, देश के लिए खेलें, उनके लिए मेडल लेके आए, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, और इन सब चीज़ों से ही हमें हमारे अंदर हार्डवर्क करने की शक्ति आती है और हम इनको ट्राई करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहे। अगले जो टूर्नामेंट है उसमें आप किस तरीके से अपने को देखें? जी बिल्कुल, ये मेरे करियर का सबसे पहला इतना बड़ा कंपटीशन था और मुझे ब्रॉन्ज मिला, खुशी है मुझे ब्रॉन्ज की, बट अभी सब निगाहें आने वाले एशियन गेम्स पे है, वर्ल्ड चैंपियनशिप पे है, और मैं चाहूंगी कि इस कांस्य पदक को मैं गोल्ड में बदलना चाहूँ। तो ये थे पिंकी जो हमारे साथ बात कर रहे थे, ग्लासगो गेम्स में उन्हें मिला कांस्य, लेकिन इच्छा है, चाह है कि अगले एशियन गेम्स और रियो ओलंपिक्स में वो कांसे का जो उसकी जो चमक है वो गोल्ड में तब्दील हो जाए। कैमरामैन चंडेल के साथ मैं तापुष भट्टाचार्य, दूरदर्शन न्यूज़ दिल्ली।